एक सिक्स बताना है और दूसरा 16 और चलो जब तक 16 क्वेश्चन दे सब हो जाएंगे। और ये 13वां हो जाएगा ये भी। चलो फिर तुम लोग करो, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोल्स। रोलिंग इसको पहले हम ज्योमेट्रिकली समझते हैं और उसके बाद फिर हम इसे डिटेल में लिखते हैं। एफ एक्स एक्स फलन है, सबसे पहले एफ एक्स जो है वो एक इंटरवल ए टू बी में सतत है। नंबर दो, एफ एक्स जो है वो ओपन इंटरवल में अवकलनीय है। नंबर तीन, एफ ए बराबर एफ। अगर ये तीन स्थितियां किसी भी फलन के लिए किसी इंटरवल ए से बी के लिए संतुष्ट होती हैं तभी आप रोल्स थ्योरम लगा सकते हैं। और अगर ये स्थितियां में से एक भी स्थिति संतुष्ट नहीं होती है तो रोल्स थ्योरम आप नहीं लगा सकते। तो पहली बात तो यही है कि रोल्स थ्योरम लगा पाओगे या नहीं। अगर रोल्स थ्योरम लगाओगे तो ये तीन स्थितियां आप जांच लेंगे। ये तीन स्थितियों में अगर तीनों स्थितियां आ रही हैं तो यदि
उसके बाद ही रोल फिल्म बनेगी। तो देयर एग्जिस्ट यानी दुनिया में कोई एक ऐसा बिंदु सी या ऐसा एक्सवान सी जरूर होगा ए से बी में ओपन इंटरवल, जहां एफ डैश सी बराबर होना चाहिए। अगर उसने बता दिया कि रोज थ्योरम लग रही है तो तुरंत आप डेरिवेटिव निकाल के और एक्स की जगह सी रख के जीरो बराबर ले लेंगे और सी का मान निकाल लेंगे और वो सी का मान ए से बी के बीच में आएगा, रोज थ्योरम वेरीफाई। क्लियर हो गई बात? अब इसका ज्यामितीय रूप समझिए। ये तो रोले की प्रमेय हो, ज्यामितीय रूप ऐसा है, मान लीजिए आपके पास कोई फलन है, ये एक्स बराबर ए है और ये यहां एक्स बराबर है। हम देख रहे हैं कि एफ ए ये होगा और एफ बी ये होगा, ये फलन सतत है ए से बी में, एक्स का मान ए से बड़ा है बी से छोटा है, यहां देखना पूरा फलन सतत है, हर बिंदु पर एक स्पर्श रेखा बन सकती है, तो इसका मतलब यहाँ पर डेरिवेटिव पॉसिबल है। डेरिवेटिव तो ये बताया था हमने कि एक स्पर्श रेखा बना सकते हैं, जिसका मतलब डेरिवेटिव ए से बी में प्रत्येक बिंदु पर पॉसिबल है। एंड पॉइंट पर डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है उसके हम बात भी नहीं करते, हमने इसलिए ओपन इंटरवल लगा दिया डेरिवेटिव के। आप देखिए सतत के केस में तो हमने क्लोज इंटरवल लगाया, लेकिन डिफरेंशिएबल के केस में हमने ओपन इंटरवल, ओपन इसलिए लगाया है कि अंत बिंदु पर अगर डिफरेंशिएबल है या नहीं इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने इसे छोड़ दिया। अगर हमने ये जोड़ा, क्योंकि ये हुआ तभी जब एफ ए किसके बराबर था, तो ये पूरे वक्र में कहीं ना कहीं एक बिंदु जरूर ऐसा होगा जब प्रत्येक बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींच सकते, एक बिंदु ऐसा जरूर होगा जिसमें स्पर्श रेखा इसके समांतर आ जाएगी, 100% होगा यही है मान लो। ये हमने एक रेखा खींच ली स्पर्श रेखा, ये वाला बिंदु है यहाँ पर, ये रेखा समांतर है और ये बिंदु क्या है एक्स बराबर सी, और आप जानते हैं स्पर्श रेखा क्या होता है, अगर ये फंक्शन एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स होगा डायरेक्ट। तो यहाँ पर ये जो बिंदु है ये एफ डैश सी है, क्या है एफ डैश सी, प्रवणता। और किसी रेखा की प्रवणता क्या होती है, एक्स एक्स से बने हुआ जो कोण होता है उसका टैन होता है। ये रेखा जब एक्स एक्स के समांतर है, एक्स एक्स से कितने डिग्री कोण बनाएगी, जीरो, तो यानी एफ डैश सी जो है जो प्रवणता है वो टैन जीरो यानी कितना हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ए और बी के बाहर भी अगर फलन सतत है तो कोई ना कोई बिंदु जरूर ऐसा होगा जहां पर आप स्पर्श रेखा खींचोगे तो वह इस रेखा ए बी के समांतर होगा, ठीक है, या एक्स एक्स के समांतर, ए बी के समांतर नहीं होगी तो एक्स एक्स के समांतर। और वैसे भी जब एफ ए और एफ बी आपस में बराबर होंगे और जब भी उन्हें जोड़ोगे तो वो रेखा तो एक्स एक्स के समांतर ही है, क्यों, जब किसी बिंदु के वाई निर्देशांक दो बिंदुओं के बराबर होंगे तो प्रवणता तो वाई निर्देशांकों का अंतर बढ़े एक्स निर्देशांकों का अंतर, और जो बिंदु है वो हमेशा एक्स कॉमा एफ एक्स होता है, तो एक बिंदु ए कॉमा एफ ए आ रहा है और दूसरा बिंदु बी कॉमा एफ बी आ रहा है और ए और बी आपस में कैसे हैं बराबर, तो एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए यही तो प्रवणता होगी, और एफ ए और एफ बी बराबर है तो प्रवणता कितनी हो जाएगी, और जिसकी प्रवणता जीरो वो किसके समांतर, एक्स एक्स के समांतर। क्लियर हो गई बात, कोई डाउटफुल केस तो नहीं है, चलो इसके बाद आती है मध्यमान। मीन वैल्यू मध्यमान, ये भी रोल्स थ्योरम की तरह ही है, थोड़ा छोटा सा अंतर है, क्या है वो अंतर, चित्र यही बनेगा, ये दोनों कंडीशन सेम रहेंगे। पहली बात, यदि एफ एक्स एक फलन
क्या था नंबर एक बार एफ एक्स जो है वो क्लोज इंटरवल ए टू बी में नंबर एक बात नंबर दो एफ एक्स जो है वो ओपन इंटरवल ए टू बी में अब कर लिया ठीक है और तीसरी बात एफ ए बराबर नहीं होगा तो एक बिंदु जरूर यहां पर ऐसा होगा सी जो होगा ए से बी में जहां एफ डैश सी जो होगा वो बराबर होगा एफ बी माइनस एफ ए जो होगा देखो इसी चित्र में समझा ये नया बात है मान लीजिए ये वक्त है ये बिंदु है ए और ये बिंदु है एक्स बराबर इसका निर्देशांक अब ये जो दूरी है ये एफ ए आएगी और ये जो आएगी दूरी पर एफ ए आएगी ये जो फंक्शन है ये वाई बराबर एफ एक्स फंक्शन है अब मैं कह रहा हूं कि ए और बी के बीच में ये एक्स बराबर है ये बिंदु कितना हुआ ए कॉमा एफ ए ये कितना हुआ बी कॉमा तो इन दो बिंदुओं के बीच में अगर इन्हें मैं जोड़ दूं ये क्या ये रेखाखंड और अगर इसे पीछे लेके जाऊं तो ये एक्स एक्स से कोई ना कोई कोण बनाएगा वो कोण होगा टेन थीटा मान लेते हैं तो अगर इस रेखा की प्रवणता निकालूं मैं इसको पी और इसे क्यू कह दूं तो पी क्यू की प्रवणता होगा क्या प्रवणता निकालना तो आता होगा सभी को क्यों वाई निर्देशांकों का अंतर बटे अभी तो बताया ही तो मतलब प्रवणता निकल रही हो ए बी अब इधर आ जाओ कि वक्र जो है वो सतत है ऐसे भी हर बिंदु पर इसका अवकलन संभव है तो कोई ना कोई एक बिंदु ऐसा जरूर होगा जो इस वक्र पर मैं खींचू उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा जो इसके समांतर हो जाए होगा नहीं होगा मान लो वो स्पर्श रेखा ये बिठा देता हूं मान लो ये आ रहा है ये हमने खींची स्पर्श कहां पे खींची है x बराबर c पर ये बिंदु है x बराबर c यहां पर जो स्पर्श रेखा है वो इसके समांतर तो इस बिंदु पर जो एक्स बराबर सी है ये सी कॉमा एफ सी आएगा इस बिंदु पर अगर मैं प्रवणता निकालू तो एफ डैश सी होगी क्योंकि डेरिवेटिव को मैं प्रवणता कहता हूं तो एफ डैश सी जो है वो है प्रवणता इस रेखा की जो एक्स इस एक्स बराबर सी पर स्पर्श रेखा और ये रेखा इसके समांतर समांतर रेखाओं की प्रवणता तो एफ डैश सी बराबर हो जाएगा FB minus FA अब इसकी गहराई समझो क्या ये कह रहा है कि भाई एक फंक्शन है उसका ग्राफ है आपके पास उसमें x बराबर है x बराबर b दो बिंदु हैं और जो फलन है वो फलन a से b के बीच में कोई ब्रेक नहीं हो रहा है ऐसे हर बिंदु पर उसका अवकलन संभव है तो अगर a p और q को मैं जोड़ लूं दो बिंदुओं को तो यहां पर वक्र पर एक बिंदु ऐसा जरूर मिल जाएगा जहां पर मैं स्पर्श रेखा खींचूं वो बिंदु मान लो x बराबर c है तो सी पर जो डेरिवेटिव होगा वो इस पी क्यू की प्रवणता के बराबर नहीं होगा जी सर तो वही तो इसमें बताया अब इस पर सवाल कैसे पूछता है वो अब सवालों को देखिए ये उतर गया इधर वाला
देखिए वे सवाल देखते कैसे आते हैं इसमें। पहला ही सवाल है कि फलन एफ एक्स बराबर ये रोले की प्रमेय को सत्यापित का मान आया है। अब आप ये
माइनस एक माइनस चार और दो के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। माइनस वन बिलोंग टू माइनस फोर टू, इसका मतलब क्या हुआ? रोल थ्योरम। और नहीं आता तो रोल थ्योरम नॉट। चलिए।